तो गाइज अगर आप ये ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसके अलावा 12 से भी ज़्यादा आप सरकारी कामकाज अपने मोबाइल से ही आप कर पाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं डिजिटल इंडिया मोदी सरकार की मुहिम चली हुई है और 2017 में ही ये ऐप लॉन्च कर दी थी मोदी गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर आप बहुत सारे कामकाज अपने मोबाइल के जरिए ही कर पाएंगे। तो दोस्तों इस ऐप की रेटिंग भी बहुत अच्छी है, 4.2 की इसकी रेटिंग, और इसके डाउनलोड भी काफ़ी हो चुके हैं। अगर इसमें काम की बात करें तो दोस्तों आप जैसे अपना आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, डिजी लॉकर, आयुष्मान भारत योजना, पीएफ बैलेंस चेक, एनपीएस की डिटेल, पानी बिजली बिल सर्विस, भारत गैस, एम किसान, सीबीएसई, AICTE, 10th, 12th, व्यू डाउनलोड, एप्लीकेशन स्टेटस, ट्रैक एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे आपको मिल जाता है। आपको अपना प्रोफाइल यहाँ पे मिल जाता है और नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहती है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है उमंग, आप ये देख रहे हैं 4.2 की इसकी रेटिंग है, 10 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड हो चुके हैं। आपको इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए अभी इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आप कोई भी आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आप एप्पल का तो एप्पल प्ले स्टोर से, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, एक OTP आएगा, OTP डाल के आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। आप अपना MPIN सेट कर लें। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इस ऐप का इंटरफेस है। होम पे जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना, जो मैंने आप देख रहे हैं रिसेंटली यूज्ड सर्विस, जो अभी मैंने यूज़ की है, प्रधानमंत्री आवास योजना, MyPAN, मेरा राशन, किसान सुविधा, जीवन प्रमाण। अगर आप गवर्नमेंट जॉब से आपके परिवार में कोई रिटायरमेंट ले चुका है तो आप अपना जीवन प्रमाण पत्र भी इस ऐप के ज़रिए ऑनलाइन आप सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पे डिजी लॉकर की फैसिलिटी मिल जाती है, आप अपने डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में रख सकते हैं सेव करके, जो गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाइड होते हैं। दोस्तों कहीं भी आप इस डिजी लॉकर में रखे डॉक्यूमेंट को आप चेक करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, जो हर तरह से वैलिड माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे बिल्स वगैरह, रजिस्टर, कंप्लेंट स्टेटस वगैरह सब मिल जाता है। कैटेगरी आप यहाँ पे देख रहे हैं फार्मर, सोशल, स्टूडेंट, वुमेन, यूथ, स्किल सर्टिफिकेट, एजुकेशन, फाइनेंस, सब आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। वर्ड्स न्यू में सिविल सप्लाईज, डॉक्टर अम्बेडकर को, नेशनल क्राइम, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिस्ट, CBSE, तो सब डिपार्टमेंट यहाँ पे आ जाते हैं। फ्लैगशिप स्कीम यहाँ पे सब मिल जाती हैं। ऑल सर्विसेज पे टैप करके देख सकते हैं, यहाँ पे सब वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट हैं जितनी, सबके लिंक यहाँ पे डाल लेंगे, सबके काम आप इसी ऐप के जरिए आप कर सकते हैं। डिजी लॉकर की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, इसमें साइन अप करके आप अपने लॉकर डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको हरियाणा जैसे यहाँ पे आप टैप करके अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, किस स्टेट में आप रहते हैं। और दोस्तों अगर इस ऐप की लैंग्वेज की बात करें तो आपको इसके अंदर लगभग 13 भाषाओं में ये ऐप अवेलेबल है, और आप इन्हें अलग अलग अपनी आपकी जो भी भाषा है उस भाषा में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। टोटल सर्विसेज आप देखेंगे सेंट्रल स्टेट की हैं, यहाँ पे टोटल डिपार्टमेंट यहाँ पे डाले गए हैं, सब कुछ इसके अंदर डाला गया है। आप यहाँ पे टाइप करके अपना स्टेट सिलेक्ट कर लें, आप यहाँ पे देखेंगे चूज योर स्टेट, उसके बाद आपके स्टेट में जो भी सर्विसेज होंगी ऑनलाइन वो सब आपको यहाँ पे इस ऐप में मिल जाएंगी। और दोस्तों आपको यहाँ पे एक और बेनिफिट मिल जाता है, अगर आप ऑनलाइन कोई साइबर कंप्लेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सबसे ऊपर आधार कार्ड, आजीविका, आपले सरकार और यहाँ पे सब सरकारी वेबसाइट हैं जो सब उनके लिंक मिल जाएंगे। तो गाइस देख रहे हैं आपको यहाँ पे सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। आप इसे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लगभग सरकारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्टेट या गवर्नमेंट सब की वेबसाइट्स के लिंक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और इसके अलावा पर साइबर क्राइम की बात करें, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ पे टैप करके रिपोर्ट ए कंप्लेंट, रिपोर्ट कंप्लेंट एनोनिमसली, आप विदाउट अपनी आईडी दिए भी डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस का भी है, सब डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सब। दोस्तों बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया ऐप है। अब आपको सरकारी काम के लिए अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखें उमंग, और आप इसी ऐप के ज़रिए अपने सारे गवर्नमेंट स्टेट या सेंटर के सब काम आप इस ऐप के ज़रिए ही कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।